डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तानी वजीरे आजम इमरान खान सऊदी गए थे, जहां उन्होंने सऊदी से बिजनेस से लेकर पैसों तक की बातचीत की थी। और इसके बाद माना जा रहा था कि सऊदी पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बना सकता है, लेकिन अब इमरान खान के हाथ कुछ लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इस खबर आ रही है कि सऊदी अरब ग्वादर में रिफाइनरी स्थापित नहीं करेगा, जिसके बाद पाकिस्तान को बड़ा झटका लग गया है। पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते खराब होते नजर आ रहे हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान न सिर्फ आर्थिक संकट से जूझ रहा है, बल्कि उसे इस्लामिक देश भी आर्थिक रिश्ते बनाने में पीछे हट रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात की पुष्टि किसने की है, तो बता दें कि इस बात की पुष्टि खुद इमरान खान के बिजली पेट्रोलियम पर विशेष सहायक ताबिज गौहर ने की। गौहर ने बताया कि सऊदी अरब ग्वादर में रिफाइनरी स्थापित नहीं करेगा। सऊदी अरब की कंपनी अमारको की ओर से कच्चे तेल के प्रतिदिन 2.5 लाख बैरल को परिष्कृत करने की क्षमता वाली डीप कन्वर्जन रिफाइनरी की स्थापना को लेकर कोई प्रगति नहीं हुई है। हालांकि 2019 में सऊदी ने 20 अरब डॉलर के समझौते के वक्त ग्वादर में 10 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की थी। बिगड़ते संबंधों के बीच उसने तेल सुविधा भी वापस ले ली है, जिसकी बहाली के लिए पाक वित्त विभाग सऊदी अधिकारियों के संपर्क में है। तो वहीं भारत और सऊदी के रिश्तों की बात करें, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तब करारा झटका दे दिया था जब जम्मू कश्मीर को लेकर उसने ऐसा लिख दिया था जिसे पढ़ने के बाद पाकिस्तान को मानो मिर्ची सी लग गई थी। दरअसल सऊदी अरब के प्रमुख अखबार सऊदी गजट ने कहा था कि भारत में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद मोदी सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू किए हैं। जम्मू कश्मीर के युवकों ने इन योजनाओं पर सकारात्मक रुख दिखाया है। घाटी के नौजवान नए भारत की प्रगति का हिस्सा बनना चाहते हैं। बता दें, पाकिस्तान यही कहता आया कि धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर में स्थिति बेहद खराब हो गई है, लेकिन पाकिस्तान को शायद ये नहीं दिख रहा कि कश्मीर के नौजवान नए भारत की प्रगति और खुशहाली का हिस्सा बनना चाहते हैं। एक जमाने में कश्मीरी युवाओं की पहचान पत्थरबाजों के रूप में होती थी, लेकिन धारा 370 हटने के बाद वो मुख्य धारा से जुड़कर अपना जीवन संवारने का प्रयास कर रहे हैं। और शायद यही वजह थी कि अखबार ने यह भी कहा था जब अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला लिया गया तो वैश्विक तौर पर ये आशंका थी कि राज्य हिंसा और अशांति की भेंट चढ़ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके विपरीत युवाओं ने ऐतिहासिक परिवर्तन का भी बहुत सकारात्मक रूप से जवाब दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।